नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई में मुहर्रम की सवारियां निकली, अनुयायियों ने की इबादत, भक्तों की उमड़ी भीड़। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है। इसे गम का महीना भी कहा जाता है। इसके 10वें दिन को आशूरा कहा जाता है, जिसे मातम का दिन कहा जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिए निकालते हैं। इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन होता है। कहा जाता है कि मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम 10वें दिन को लोग मातम के रूप में मनाते हैं, जिसे आशूरा कहा जाता है। यह मातम का दिन होता है। कल रात में मुहर्रम की सवारी निकाली गई। नगर के आजाद वार्ड से सवारी का हुजूम निकालकर गांधी वार्ड पहुंचा, जहां पर बाबा लोगों ने एक दूसरे से मेल मिलाप किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आने वाली मुहर्रम की 10 तारीख को मातम का दिन मनाया जाएगा। मुल्ताई सिटी रिपोर्टर अवनीश तायवाड़े की रिपोर्ट।